राहुल गांधी देश का भविष्य। सरकार अगर राहुल गांधी की बात मान लेती तो देश का ये हाल नहीं होता। जब देश पर कोरोना का आक्रमण हुआ तो राहुल गांधी पहले लीडर थे जिन्होंने मोदी सरकार को आने वाली तबाही से आगाह किया। मैं पहले से कह रहा हूँ कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूँ, हर रोज कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी की चेतावनी को हल्के में लिया और श्री राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। लेकिन राहुल गांधी खामोश नहीं बैठे, वो बार बार सरकार को कोरोना की तबाही से आगाह करते रहे। मोदी सरकार ने राहुल गांधी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ताली थाली बजाने का अभियान चलाया। देखते देखते देश को महामारी की ओर धकेल दिया। जब कोरोना का दूसरा वेव आया और देखते ही देखते 5 लाख भारतीयों की मौत हो गई, श्री राहुल गांधी आज भी सरकार को वैक्सीन मुहिम में तेजी लाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार आज भी सो रही है।